हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान पर। विगत 8 वर्षों से इस संस्थान ने 1535 से अधिक चयन देकर मध्य प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया है और जितने भी बच्चे निकले हैं वो यही कहते हैं कि सर, आपकी क्लास लेने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। बच्चे बोलते हैं, मैं सोचता हूँ कि आप भी बोलें, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस मेरी क्लास अंत तक देखनी होगी आपको। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आज हम जानेंगे कि कृषि से संबंधित कौन कौन से यंत्र हैं और उन यंत्रों का काम क्या है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपिक आज का है, कृषि से संबंधित यंत्र, इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इस टॉपिक में से कम एक प्रश्न यूजी हर यूजी एग्जाम में मिनिमम आता है, चाहे वो स्टेट वाला एग्जाम हो, चाहे MPPET हो, चाहे CGPET हो। और सबसे बड़ी बात है, इक्विपमेंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि बस आप एक बार पूरे मन से सुन लीजिएगा, आपको उसके बाद किसी भी बुक में, किसी भी किताब में किसी तरह का पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी इक्विपमेंट के बारे में। जो मेरा पूरा वादा है आपसे, अब मेरा कितना वादा है तो आप सुनने के बाद ही महसूस करेंगे। सुनते रहिएगा मेरी क्लास, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि आज का टॉपिक है इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित यंत्र। हम जब यंत्र पढ़ने वाले हैं तो हमें यंत्र पढ़ने के पहले दो शब्दों के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिएगा, जब किसी शब्द को हम आगे जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में आप क्या बोलते हैं, शायद प्रत्यय उपसर्ग दो होते हैं ना हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है व्यक्ति को, इसलिए कुछ वर्ड को अंग्रेजी में देखना जरूरी है। प्रीफिक्स, प्री माने होता है पहले, तो आराम से कन्फर्म हो गया। प्रीफिक्स माने ऐसे शब्द जो आगे जोड़े जाते हों। जब प्रीफिक्स ऐसे शब्द जो आगे जोड़े जाते होंगे तो सफिक्स कैसा हुआ, जो पीछे जोड़े जाते होंगे। जैसे मेरे पास शब्द है थर्मामीटर, तो बताइए मीटर कहाँ जुड़ा है, थर्मा के पीछे की आगे, पीछे जुड़ाना, थर्मामीटर बाद में आ रहा है ना, बाद में, दिस इज सफिक्स। तो ध्यान रखें, हम यहाँ दो सफिक्स की बात करेंगे, एक है मीटर, एक है ग्राफी। ये दो वर्ड में पूरी कहानी खत्म करूंगा, दो ही वर्ड आपको मैं दिखाऊंगा जो बार बार रिपीट होंगे, और उसके बाद हम 10 से 15 कुछ मीनिंग याद कर लेंगे, सिंपल मीनिंग है। उसके बाद ये लेक्चर इतना आसान हो जाएगा कि आपको कभी भी नहीं पढ़ना होगा, ठीक है? पहले मीटर की बात करते हैं। अगर किसी शब्द के पीछे मीटर जुड़ा हो, अगर नाम इंग्लिश में होगा तो स्वाभाविक मीटर जुड़ा होगा, और मीटर को हिंदी में कहते हैं मापी। अगर कोई शब्द हिंदी में हुआ होगा तो उसके पीछे मापी जुड़ा होगा, जैसे थर्मामीटर, अंग्रेजी वर्ड है थर्मामीटर, मीटर बाद में जोड़ दिया। अगर हिंदी में आता ताप मापी, तो हिंदी शब्द ताप, तो पीछे मापी जोड़ देते, ठीक है? हिंदी शब्द हुआ तो पीछे मापी जुड़ा होगा, अंग्रेजी शब्द हुआ तो पीछे मीटर जुड़ा होगा। आपको केवल इतना ही बता रहा हूं, चाहे मीटर जुड़ा हो चाहे मापी जुड़ा हो पीछे, इनका मतलब होता है यह एक यंत्र है। माने यहाँ यंत्र की बात हो रही है, एक ऐसा यंत्र जो मेजरमेंट करता होगा, जो मापता होगा। क्लियर? आज के बाद कहीं भी मीटर आ जाए, थर्मामीटर, बैरोमीटर या XYZ मीटर, टेलीमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, जेल मीटर, लैक्टोमीटर, कहीं भी आ जाए, आज के बाद मीटर आते ही तत्काल मन में आना चाहिए, दिस इज इक्विपमेंट, यंत्र मापेगा, मेजरमेंट करेगा। तो हर वर्ड में मीटर आते ही कहते मेजरमेंट ऑफ, ये तो लगाना ही पड़ेगा, मापते हैं, मापा जाता है, ये तो बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है? और यदि मापी या मीटर नहीं है, अगर शब्द के पीछे ग्राफ या लेखी है, अंग्रेजी में है तो ग्राफ होगा, बैरोग्राफ, थर्मोग्राफ, ओसिनोग्राफ, जो भी ग्राफ हो, अगर वर्ड अंग्रेजी में है तो पीछे ग्राफ लिखा होगा, और अगर शब्द हिंदी में है तो पीछे ग्राफ को कहते हैं हिंदी में लेखी, हिंदी में हुआ तो पीछे लेखी जुड़ा होगा, अंग्रेजी में हुआ तो पीछे मीटर जुड़ा होगा। ध्यान रखो, चाहे तो ग्राफ जुड़ा हो पीछे, चाहे लेखी जुड़ा हो, इसका मतलब है ये मापी गई चीज को दर्शाता है, मेजरमेंट नहीं करेगा। ये यंत्र नहीं है, ये उसका पेपर फॉर्म है एज ए ग्राफ। जैसे मैंने बोला आपसे, फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर, सुनना पूरी बात, पहला पॉइंट याद करना है अपने यहां से,
विथड्रॉ क्या सीख लिए, मीटर माप, मीटर या मापिया है तो मापता है, यंत्र है, और ग्राफ लेके आया तो ये मापता नहीं है, यंत्र नहीं है, ये केवल मापी की चीज को दर्शाता है। दो पॉइंट याद किया, आगे बढ़ रहा है। जैसे पहला पॉइंट याद किया थर्मामीटर कैसे कहते हैं, तो याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं सोचना इसके बारे में। जैसे ही मीटर माने मापी, लिख दो मापता है, ये हो गया। थर्मा में नहीं याद कर लीजिए, थर्मा यही नहीं दुनिया में, आज के बाद थर्मा कहीं भी आ जाए, थर्मा आते ही तापमान मन में आना चाहिए, थर्मो थर्मा कुछ भी ऐसा वर्ड हो, थर्मोमीटर या थर्मामीटर, थर्मा आते ही, थर्मो आते ही ताप, ताप मीटर मापी, ताप मापी हो गया ना। अब क्या रहा, बच्चे तो है नहीं कि इसको लिखें ऐसा यंत्र जो ताप को मापता है, इतना तो समझते है ना, इतना सीख गए ताप मापी, दैट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर, बात खत्म। कितना आसान था। थर्मोग्राफ मन सुना क्या, थर्मोग्राफ, थर्मो मीन्स तापमान, टेम्परेचर, ग्राम मीन्स लेखी, हिंदी में क्या नाम पड़ेगा, ताप लेखी। ये मेजरिंग टेम्परेचर नहीं करेगा, जे ड्रॉ द टेम्परेचर ऑन पेपर एज ग्राफ, ये मापेगा ताप को, केवल दर्शाएगा, मापेगा नहीं। अगर मैं यंत्र, मेरे पास है थर्मामीटर, अगर वो तो यंत्र है, मैं माथे पर लगा के, जिभ्या में लगा के, टंग पर लगा के मेजरमेंट कर लूंगा, लेकिन डॉक्टर आपके ऊपर लिख के देगा ना इतना टेम्परेचर है, 90 डिग्री फैन कुछ भी, तो लिख के दिया ना, दिस इज द ग्राफ, लेखी, कागज ने थोड़ी मापा, कागज ने मापा तो इक्विपमेंट ने मापा जो आपने देखा होगा, तो वो है थर्मामीटर, और जो लिख के दीजिए दिस इज ए ग्राफ। समय में आ गया ना। नया सब दिख रहे हैं, बैरोमीटर, मीटर होते ही दो चीज मन में चले होंगी आप, एक तो मीटर है माने मापी है, मापी है तो मापता है, मेजरिंग करता है, हमें बात किस पर करनी, बैरो पे, बैरो याद होता तो हमें बार बार याद करना ही नहीं पड़ता ना। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, पूरे लेक्चर में केवल मैं ऐसे टर्म, ऐसे वर्ड ही बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। तो बैरो माने दाब, प्रेशर, अंग्रेजी में सब जानते हैं दाब को प्रेशर बोलते हैं, तो बैरो जानो ना आज से, तो बैरो माने प्रेशर या दाब, मीटर माने मापी, तो अंग्रेजी में हो गया मेजरिंग प्रेशर। कौन सा प्रेशर, किसका मापना प्रेशर, आदमी का प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा यंत्र जो वायुमंडलीय दाब को मापेगा उसे कहते हैं दाब मापी। का बैरो माने दाब, मीटर माने मापी, तो हो गया ना दाब मापी, हो गया ना बैरोमीटर, बैरो ध्यान रखो। बैरोग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ हो गया तो मापेगा तो नहीं, यंत्र तो नहीं होता, ग्राफ बोल लिखी वाली बात होगी, दाब लिखी, जिसमें क्या बोलेंगे, ये दाब को मापता नहीं है, ये यंत्र नहीं है, ये मापे गए दाब को दर्शाता है, केवल। समझ में आया ना आपको। जैसे मैं नया मैं हाइग्रोमीटर क्या है, तो क्यों इतना ध्यान रखना, हाइग्रो व्हाट इज हाइग्रोमीटर, मीटर माने मेजरिंग, मापी, हाइग्रो याद करो ना, हाइग्रो माने ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जो जुलाई मई जून जुलाई महीने में जो उमस पड़ती है ना, जो आप ह्यूमिडिटी, जो आप चिपचिपापन लगता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, वो मापेगा ना, मतलब हाइग्रो माना लिख लो आप, तो लिखो आप अभी, हाइग्रो माने आर्द्रता, बात खत्म, आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर, मीटर माने मापी, हाइग्रो माने आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी, ये आर्द्रता मापेगा। हम हाइग्रोमीटर को एक नाम से और जानते हैं, साइक्रोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बहुत से लोग अगर क्वेश्चन आया हाइग्रोमीटर बता देंगे, पर साइक्रोमीटर आते ही भूल जाते हैं, व्हाट इज साइक्रोमीटर, इसको ही बोलते हैं साइक्रोमीटर भैया, इसके दो नाम है, या तो हाइग्रोमीटर कह लो या साइक्रोमीटर भी से कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको नोट डाउन करना। मैंने आपसे बोला लैक्टोमीटर, दूध को क्या बोलते हैं, दूध को मिल्क, आज से पढ़ेंगे लैक्टो माने दूध, कहीं भी आ जाए लैक्टोबैसिलस, लैक्टोमीटर, कहीं भी बड़ा लैक्टो हो जाए आप, दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आज के बाद, लैक्टो माने दूध लिखे कहीं आराम से, लैक्टो माने दूध, तो लैक्टोमीटर माने क्या, दूध मापी, तीन आंसर है इसके, ध्यान से सुनिएगा, दूध मापी का मतलब ये नहीं दूध मापेगा नहीं, मापने वाला तो लीटर है, मापने का मतलब है दूध की शुद्धता को मापेगा, पहला आंसर, दूध के आपेक्ष घनत्व को मापेगा, आपेक्ष घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी मापेगा, एक तो प्योरिटी शुद्धता मापेगा, आपेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी मापेगा, और एक ये दूध के विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मापता है। तीनों आंसर आप राइट डाउन करें, लैक्टोमीटर एक आंसर नहीं, तीनों आंसर है। कई बार दूध की शुद्धता नहीं आती तो दूध का आपेक्ष घनत्व भी आया हुआ है, तो आप ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है।
एक यहाँ का जेलीमीटर, जेलीमीटर तो बात ही अलग है, बहुत इम्पोर्टेंट। जेल मीटर, जेल माने पेक्टिन। व्हाट इज पेक्टिन? पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो फलों की दीवार के पास मिलता है। आपको मालूम होगा पेक्टिन अगर है तो जैम जेली बनता है। और पेक्टिन सबसे ज्यादा होता है कहाँ? जैसे अमरूद में, सेब में। तो आप अमरूद पड़े होंगे, अमरूद से क्या बनता है? जैम और जेली। तो जैम जेली बिना पेक्टिन के नहीं बन सकते। और जब पेक्टिन बिना नहीं बन सकते तो पेक्टिन मापना पड़ेगा ना, तो पेक्टिन कैसे मापेंगे? जेलीमीटर। तो जेलीमीटर से पेक्टिन को मापा जाता है। तो जेलीमीटर या जेलीमीटर मेजरमेंट ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन मत भूलना, पेक्टिन जैम जेली बनाने का मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, भूलना मत इसको। अच्छा पॉइंट है। मैंने आपसे बोला रिफ्रैक्ट्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है, यूजी के जितने एग्जाम है मेरे ख्याल से हर साल ये नाम रिपीट होता ही है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। एक नाम इसका और वृक्ष, या वृक्ष रिफ्रैक्ट्रोमीटर। और रिफ्रैक्ट्रोमीटर क्या होता है? ये मापता है TSS को। लिखे TSS क्या होता है? TSS, TSS माने टोटल सॉल्युबल सॉलिड। TSS माने टोटल सॉल्युबल सॉलिड। और TSS मापता है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर मापता है TSS को। TSS माने टोटल सॉल्युबल, जो हिंदी कर लेंगे ना, टोटल माने कुल, सॉल्युबल माने बिलय, सॉलिड माने ठोस, कुल बिलय ठोस को मापता है। ये क्या होता है? अब सोचे मैंने 1 लीटर पानी में शक्कर घुल दी आधा किलो, और घुलने के बाद मैं बोलूँ कितनी शक्कर चीनी घुली, तो आप बता पाएंगे? नहीं ना, आपको मालूम नहीं कितनी घुली इसमें। तो जो चीज़ पानी में बिलय हो चुकी है ऐसी ठोस की मात्रा, वो कैसे मापेंगे? वो मापेंगे रिफ्रैक्ट्रोमीटर से क्योंकि कितनी आपके पास उसमें घुली हुई है। कैसे मापेंगे? दिस इज फ्रॉम रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ऑल्सो नोन एज वृक्ष। मेजरमेंट ऑफ द TSS, टोटल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल बिलय ठोस। तो ध्यान रखना, जहां भी आपको दिक्कत हो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करना, फिर आप देखना है मैंने उसमें हिंट क्या बताई है। हिंट ध्यान रखें और कुछ नहीं करना। मैंने आपसे बोला जैसे कि प्लेनोमीटर, प्लेनोमीटर, प्लेन माने क्या होता है? पत्ती के तल का क्षेत्रफल। प्लेन माने समतल है ना, तो लीफ्स का एरिया कितना है, लीफ का सरफेस एरिया कितना है, ये किससे मापेंगे बताइए? किससे मापेंगे? मापेंगे प्लेनोमीटर, प्लेनोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो पढ़ चुके हैं, हाइड्रो माने पानी होता है, मीटर माने मापी जल या वाटर, मेजरिंग वाटर, मेजरिंग वाटर जल की मात्रा को, मात्रा नहीं जल के घटकों को मापता है। तो हमने देखा था हाइड्रोमीटर, हमने उसके पहले पढ़ा था हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी माने क्या था? हाइड्रो माने पानी, लॉजी माने अध्ययन करना, वो अलग बात थी। हाइड्रोलॉजी में हमने क्या देखा था? जल के घटकों का अध्ययन करना माने जल संबंधी विज्ञान, वो विज्ञान था लॉजी। ये हम पढ़ रहे हैं इस समय ऐसे यंत्र जिनका यूज हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, किसी न किसी रूप में यूज कर रहे हैं उनका। तो यहाँ हाइड्रोलॉजी यूज नहीं करेंगे, हाइड्रोमीटर। मीटर माने ऐसा यंत्र, हाइड्रो माने वाटर जल, मीटर माने मापने वाला यंत्र। इस प्रकार हो गया पानी के घटकों का मापने वाला यंत्र, और हाइड्रोलॉजी पानी के घटकों का अध्ययन, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ एक शब्द आ रहा है एवेपोरीमीटर, यंत्र का नाम है। अब यंत्र कैसे पहचाने? यंत्र है आपने देखा मीटर, तो मीटर आ गया एवेपोरीमीटर माने ऐसा यंत्र। अब एवेपोरी का मालूम मतलब आपको मालूम होना चाहिए, एवेपोरी माने होता है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या है उसको आप सुनिएगा। अगर किसी सतह से पानी उड़ता है, जैसे जमीन है, खेत है, उससे पानी आप देखो, पानी आप वहाँ डाल के जाओ, वहाँ पानी फैला दो, तो थोड़े समय बाद पानी सूख जाता है ना, वो कहाँ जाता है? भाप बन के उड़ जाता है। तो जमीन सतह से पानी का भाप बन के उड़ना, इसे बोलते हैं हम क्या? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किस यंत्र से मापेंगे? उसके यंत्र का नाम है वाष्पीकरण को, वाष्प को बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपर। तो वेपर का, वेपर फॉर्म में पानी का उड़ना, दिस इज ए वाष्पीकरण, माने इसे बोलते हैं एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन को जिस यंत्र से मापते हैं उसे बोलते हैं एवेपोरीमीटर। गौर से देखो, बोलते हैं एवेपोरेशन, मापने वाला यंत्र है एवेपोरीमीटर, एक ही जैसा है ना। अच्छा, पौधे से अगर पानी उड़ता है, पौधे में पानी कहाँ से उड़ता है? पत्तियों द्वारा। और पत्तियों में मेनली कौन सी पत्ती, पत्ती कौन सी सतह, सतह से मेनली निचली पत्ती से, माने पत्तियों की निचली सतह से पानी मुख्यतः उड़ता है। क्यों उड़ता है आपको सबको मालूम है ना, क्योंकि पत्तियों में क्या होते हैं? स्टोमेटा।
तो स्टोमेटा होने से पानी उड़ता है ना पत्ती फॉर्म पत्तियों के रूप में या पत्ती के द्वारा या तने के द्वारा, तो पौधे से या पौधे के किसी भी भाग से पानी का भाप बनकर उड़ना इसे क्या बोलते हैं बताइए। बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं ट्रांसपरेशन। अगर ना जमीन से उड़ रहा था तो आप यूज कर रहे थे एवोपोरीमीटर, अगर पौधे की सतह से उड़ रहा है तो यूज करेंगे पोटोमीटर। राइट डाउन लिखें आप, क्या नाम है इसे, पोटोमीटर, पोटोमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखें, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है, उसी समय पानी जमीन से उड़ रहा है, उसी समय कुछ पानी पौधे से उड़ रहा है, तो पानी की हानि उसी समय, सतह से पानी की हानि होना, उसी समय पौधे से या पौधे की पत्तियों से पानी की हानि होना, दोनों को एक समय मापने वाले यंत्र लाइसीमीटर। क्या नाम है उसका, लाइसीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अकेले वाष्पीकरण को मापता है वेपोरीमीटर, पौधों से हानि होने पर मापता है अपना पोटोमीटर, और दोनों को एक साथ मापता है उसका नाम क्या, लाइसीमीटर। ठीक है, अच्छा एक यंत्र बहुत पूछा गया, उसका नाम है ऑक्सीनोमीटर। बहुत अच्छा नाम है। देखो एक बात बताएं आपको, ऑक्सीनोमीटर के अलावा एक यंत्र और है क्रेस्कोग्राफ, दोनों एक जैसे यंत्र हैं। यंत्र का मतलब होता है एक जैसे काम है उनके। अब पेपर में बहुत से बार पूछा हुआ है पादप की वृद्धि मापने वाला यंत्र, कभी आंसर दिया होता ऑक्सीनोमीटर, कभी आंसर दिया होता क्रेस्कोग्राफ। अब क्वेश्चन में एक ही आएगा ऑप्शन में, ध्यान रखो कोई क्वेश्चन अगर दिया रखा है तो इन दो में से कोई एक ऑप्शन ही देगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें क्रेस्कोग्राफ भी हो ऑक्सीनोमीटर भी हो। अच्छा ऑक्सीनोमीटर कहाँ से आया नाम, अब आप हम कैसे पहचानेंगे जो वृद्धि मापने वाला यंत्र है, भूल गए तो आपको थोड़ा लिंक बताता हूँ याद कैसे रखना है। देखो पादप में पांच हार्मोन होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लांट हार्मोन। वो पांच हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन एक ही टाइप का होता है NAA, या फिर हमने IAA, ठीक है NAA माने नेथ्रिन एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, अपने कई टाइप के पड़े होंगे। ABA मत बोलना, ABA पांचवा टाइप का हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल वाला। हम बात कर रहे हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन के काम भी आप पढ़ोगे, पादप की वृद्धि, एलोंगेशन ऑफ फ्रूट, एलोंगेशन ऑफ स्टेम, पौधा लंबाई में वृद्धि करता है उससे मापते हैं। जिब्रेलिन अब काम GA3 मेनली होता है, GA3 को कोड, इसे कोड फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन, GA3 जिब्रेलिन को। और जिब्रेलिन का आप काम समझते हैं ना, जैसे कि अंगूर में GA3 का यूज किया गया था जिससे साइज बढ़ गया था अंगूर का, माने फलों के आकार में वृद्धि करने के लिए यूज कर रहे थे मेनली। ठीक है, और जैसे बस साइटोकाइनिन आपने बहुत बार यूज किया होगा, साइटोकाइनिन माने सेल डिवीजन, कोश का विभाजन में किसकी रोल है, किसका भूमिका है अपना, साइटोकाइनिन का। इथिलीन ये तो आपने देखा होगा C2 और अपना कौन सा C2H2, दिस इज इथिलीन। ठीक है, और C2H4, ठीक है C2H4 दैट इज इथिलीन। अच्छा इथिलीन की बात कर रहे थे, इथिलीन कैसा है, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। जब गैस फॉर्म में है ये, तो गैस फॉर्म में है तो ये मेनली काम क्या करता है आपको मालूम होगा, फलों को पकाने के लिए, राइपनिंग हार्मोन है ये, पकाता है फलों को। लास्ट का है ABA, इसे बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, ये जीर्णता लाता है, बुढ़ापा लाता है पौधे की, जैसे कि उम्र बढ़ती जाएगी, पौधे की उम्र बढ़ने के साथ साथ ABA की निर्माण ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए बता रहा था पांचों काम आ गया, जो क्या होता है अपन ने इसके थ्रू लिंक पढ़ ली थोड़ा सा, तो ध्यान रखे ऑक्सीजन यहाँ आ गया था, तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अपना एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, पांचों कौन थे प्लांट हार्मोन, इनमें तीन थे प्लांट ग्रोथ हार्मोन और बाकी दो थे प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, जे ग्रोथ की सपोर्ट करेंगे तीन, और दो ग्रोथ को कम करेंगे, पर है तो प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लांट की ग्रोथ करेगा, तो वहां आंसर आ गया ना, प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यंत्र, आपने बोला ऑक्सीनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, क्रेस्कोग्राफ भी पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, कई किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है पौधे की वृद्धि चौड़ाई में, अगर पौधे बढ़ रहा है ऐसे में, चौड़ाई में बढ़ रहा है, मोटाई में बढ़ रहा है, तो दिस इज ए क्रेस्कोग्राफ, लंबा में वृद्धि हो रही है तो दिस इज ऑक्सीनोमीटर। हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं गया है, बस आप तो ये ध्यान रखें दोनों ही प्लांट ग्रोथ इक्विपमेंट हैं, दोनों ही प्लांट की ग्रोथ को मापते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात कर रहे हैं, एक यंत्र है रेन गेज। रेन माने सब जानते हैं ना, रेन माने क्या होता है, वर्षा।
गेज माने मापी। देखो अभी तक मीटर माने मापी यूज किया है, यहाँ गेज माने मापी। ऐसा यंत्र होता है जिसमें पानी की जैसी बरसात होती है वो उसकी मात्रा माप लेता है। माने वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र है कि कितना पानी बरसा, पर ये यंत्र ये नहीं बता पाता कितना पानी बरसा। बता देगा अगर कोई पूछे कितना देर पानी बरसा, टाइम नहीं बताता, रिकॉर्ड नहीं करता। तो यहाँ दो यंत्र आ रहे हैं, रेन गेज केवल वर्षा की मात्रा को मापता है, पानी की मात्रा मापता है। पानी क्या मापते सबको मालूम है, इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इतने में आता है पानी मापना। जब पेपर में आपने देखा होगा न्यूज आती है 3 सेंटीमीटर पानी बरसा, या साल भर में 150 सेंटीमीटर पानी हुआ, या इतने मिलीमीटर पानी बरसा। तो मतलब हम इसे मेजरमेंट करते हैं। जो मेजर इक्विपमेंट की बात करेंगे तो रेन गेज, और किसमें मापते हैं यूनिट क्या है तो सेंटीमीटर, इंच या मिलीमीटर, करेक्ट है ना। अगर मैं ये बोलूं बरसात की मात्रा नहीं, मैं ये बोलूं कितने समय पानी बरसा ये भी बताओ, तो उस यंत्र का नाम है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। केवल रेन गेज आएगा तो केवल वर्षा की मात्रा मापेगा, ठीक से सुने। अगर वर्षा की मात्रा के साथ साथ ये भी बताना हुआ कितना देर पानी बरसा, तो इसके लिए यूज करेंगे सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। अच्छा आगे बात कर रहे हैं, एक यंत्र यहाँ पे अनीमोमीटर। अगर आपने मेरा मौसम विज्ञान लेक्चर लिया होगा तो मौसम विज्ञान में मैंने एक जगह ये वर्ड यूज किया है कि वायु को हम कई बार अनीमो या एटमो यूज करते हैं, तो वायु को अनीमो कहते हैं, वहां में मैंने बोला था। तो यहाँ अनीमोमीटर आ गया, तो यहाँ वायु वाली बात बोलनी पड़ेगी, अनीमोमीटर। वायु, अब वायु की क्या दिशा की गति, गति, तो वायु की दिशा मापने वाला यंत्र है अनीमोमीटर। अनीमो माने वायु, मीटर माने मापी, वर्षा, ये वायु की गति को मापता है। अगर दिशा मापनी हो किस तरफ से हवा आ रही है, तो दिशा मापने वाले यंत्र विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन से हम वायु की दिशा का मापन करते हैं। वेन से दिशा, मीटर से गति, थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक यंत्र आ रहा है अरिलोमीटर, ध्यान सुना है, अच्छा शायद नहीं सुना हो आपने, अरिलोमीटर। अरिलोमीटर से हम मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन फाइबर, हम इसके द्वारा कॉटन फाइबर माने कपास के रेशे की मजबूती मापते हैं, रेशा कितना मजबूत है इसके मापने के लिए हम यूज करेंगे अरिलोमीटर। कौन सा यूज करेंगे बेटा, अरिलोमीटर। ध्यान रखें हम क्लास ऑनलाइन ले जरूर रहे हैं, पर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, आप यूं समझें मैं आपके पास हूं। और क्यों ना हो, मैं आपके पास ही हूं, एक तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, और आपकी जो भी डाउट हो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे चैट के द्वारा कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, सीधे आपका जवाब सीधा दूंगा। ये क्लास भी हो रही है आपके द्वारा ही हुई है, क्योंकि बच्चे मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट किए, सर आपने आज ये पढ़ाया था जनरल एजी में, कई सेक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा इक्विपमेंट और बता दीजिएगा, तो उनकी बात सुनकर ही मैं ये कर रहा हूँ। मैं आपकी हर चैट को पढ़ता हूँ, आपके हर कमेंट को मन से पढ़ता हूँ, क्योंकि आपके हर कमेंट ही मेरे लिए मेरी शक्ति बनेंगे, क्योंकि आप जितना मुझे क्वेरी करोगे, जितना पूछोगे मुझे, और मज़ा आएगा। तो सेक्शन को छूट ना जाए, छूट भी जाता है तो आप मुझे ध्यान दिलवाते रहिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिलोमीटर आपने समझ गए ना, कॉटन के फाइबर की मजबूती मापने के लिए यूज करेंगे, उसका नाम है अरिलोमीटर। यहाँ पे यंत्र यूज हो रहा है उसका नाम है डायनेमोमीटर, रिपीट कर रहा हूँ डायनेमोमीटर। ये यूज करता है ड्राफ्ट ऑफ फ्लो, ड्राफ्ट माने होता है खिंचाव, हल के द्वारा कितना खिंचाओ, खिंचाव एक टाइप का बल होता है, जैसे हल चलाया मैं जमीन में, तो हल को खींचने में लगाया गया बल, मैंने कितना बल यूज किया है, कितना फोर्स यूज किया है, कितना खिंचाव यूज किया है हल के द्वारा, इसको मापना है। मेजरिंग द ड्राफ्ट ऑफ फ्लो वाय थ्रो, किसके द्वारा करेंगे, डायनेमोमीटर। बहुत अच्छा यंत्र है, आप राइट डाउन करें, लिखें इसको ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक यंत्र होमोसाइटोमीटर, होमो साइटोमीटर, अच्छा होमो तो आपने सुना होगा, होमो हमारा ह्यूमन जाति का एक जीनस है, जीनस में वंश होता है आप जानते हैं, ऐसे हमारा नाम है, मानव का नाम होता है होमो सेपियंस, मॉडर्न मैन आधुनिक मानव का नाम होता है होमो सेपियंस सेपियंस। तो पहले जो होता है वो जीनस है, बाद में होता है वो जाति है, ठीक है। तो होमो साइटोमीटर, तो होमो साइटोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो काउंट स्पर्म इन सीमेन, जो स्पर्म माने शुक्राणु, ऐसा यंत्र जो वीर में कितने स्पर्म हैं, कितने शुक्राणु हैं, इसका पता करेगा, ऐसा यंत्र का नाम है होमोसाइटोमीटर। कभी भूल जाते हैं तो आप थोड़ा लिंक बना लीजिएगा, होमो माने मानव, या फिर हम पशु के वीर में भी काउंटिंग करते हैं स्पर्म की, तो वहां भी हम होमोसाइटोमीटर लेते हैं, थोड़ा भूलना नहीं, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सामने कुछ यंत्र हैं, जैसे कि एक यंत्र आ रहा है क्वांटम सेंसर,
क्वांटम, यू नो क्वांटम आपने कहीं सुना होगा फिजिक्स में, कहीं क्वांटम माने होता प्रकाश के बंडल। तो प्रकाश के विकिरण रेज इनकी तीव्रता पता करनी होगी तो हम यूज करेंगे क्वांटम सेंसर को और सनसाइन रिकॉर्डर। सनसाइन, सन माने सूर्य, साइन माने चमकीला। अगर हमें प्रकाश कितना समय प्रकाश हुआ, कितना समय कितनी तीव्रता वाला प्रकाश हुआ, कितने समय प्रकाश की अवधि रही, इसका मेजरमेंट करना है तो यूज करेंगे सन साइन रिकॉर्डर। तो यूज करेंगे सन साइन रिकॉर्डर। पीएच स्केल, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे एग्रीकल्चर में, ये भी इक्विपमेंट है। पीएच स्केल, पीएच स्केल में मान होते हैं 0 से लेकर 14 तक। आप जानते होंगे 7 उदासीन पीएच बताता है, 7 से कम होता है तो अम्ली बताता है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारी बताता है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 14। ये बनाई थी सोरेनसन जी ने, उन्होंने बताया था कि कोई अम्लीय क्षारी का पता लगाया जाना है तो इसके द्वारा पता लगाते हैं। हमारे एज में कई जगह यूज होता है। एक है पीएफ, पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच स्केल। ऐसे ही पीएफ होता है, पीएफ माने पावर ऑफ फोर्स। पीएफ द्वारा हम पता करते हैं कि मिट्टी में जल कितने बल के साथ जुड़ा हुआ है। सब जानते हैं हम जब मिट्टी में पानी देते हैं तो कोई तो फोर्स है, कोई तो बल के साथ जुड़ा होता है, आसानी से निकाल नहीं सकते पानी से, मिट्टी से पानी को, तो कोई बल से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं पीएफ। तो पीएफ का मान होता है 0 to 7। ऐसे पीएच था 0 to 14, ऐसे पीएफ होता है 0 to 7। अच्छा, वो दिया था सोरेनसन ने, इसको दिया है इसको फील्ड ने, उससे पता करते थे अम्लीय क्षारी होने का पता करते थे, और जबकि इससे पता करते हैं कि पानी मिट्टी के साथ कितने बल से जुड़ा है। ठीक है, एक यंत्र है टेंसियोमीटर। टेंशन मान होता तनाव, ठीक है, मिट्टी में पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए, माने भूमि का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। मेजरिंग सरफेस टेंशन ऑफ फील्ड, ऑफ लैंड, ऑफ सॉइल, तो सरफेस टेंशन मेजरिंग करना है तो किसे करेंगे? टेंसियोमीटर। टेंशन माने तनाव, ध्यान रहेगा ना आपको, पृष्ठ तनाव ज्ञात करते हैं, बस इतना ही करना बनको। ठीक है, एक काम और है टेंसियोमीटर का, ये मिट्टी के पृष्ठ तनाव तो ज्ञात करता ही है, मापता ही है, उसके अलावा मिट्टी में नमी की कमी को भी बताता है। टेंसियोमीटर से हम मिट्टी में नमी की कमी का पता भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यंत्र है पीजोमीटर, रिपीट कर रहा हूँ, पीजोमीटर। पीजो माने पीजो, छोटे बच्चे होते हैं पानी पीजो, ध्यान होगा आपको पीजो माने पानी। खैर चलो, तो पीजोमीटर से पानी पीजो, पीजो पानी वाली बात हो रही है। पानी माने जमीन के अंदर कितना वाटर लेवल है या कितनी गहराई में वाटर लेवल है, तो पीजोमीटर ज्ञात करता है मेजरिंग वाटर लेवल, मेजरमेंट ऑफ वाटर लेवल, कितना वाटर लेवल गहराई में है इसका पता करना है। भूजल स्तर जिसे बोलते हैं, तो भूजल स्तर या वाटर लेवल ज्ञात करते हैं कौन से यंत्र से भैया? पीजोमीटर, पीजोमीटर। नेक्स्ट है अपना सीज्मोमीटर। नेक्स्ट सीज्मोमीटर, देखो अपने जब ब्रांच ऑफ एजी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सीज्मोलॉजी, लॉजी माने विज्ञान, सीज्मो माने भूकंप का अध्ययन, तो बस वही सीज्मोमीटर तो यहाँ भी रिपीट होगा ना। यहाँ मीटर माने मापी, सीज्मो माने भूकंप तो रहेगा, वही रहेगा। तो अपने टर्म ध्यान रखना, टर्म हर बार यूज होंगे, यही नहीं पूरे एजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जनरल लैब में भी काम आएंगे, तो भूलना कभी नहीं, मेरा हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो सीज्मोमीटर माने भूकंप के धक्के की तीव्रता, कितना तेज झटके आ रहे हैं, वो मापने वाला यंत्र होगा सीज्मोमीटर, सीज्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट यंत्र अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे ओसिनोग्राफ। ओसिनोग्राफ, ओसिन माने क्या होता है? सी माने क्या होता है? सी माने समुद्र, SEA। ऐसे ही ओशियन माने समुद्र होता है, केवल मैराइन माने समुद्र बोलते हैं, सब सिनोनिम से कोई दिक्कत नहीं। तो ओसिनोग्राफ माने समुद्री जीव जंतुओं की जानकारी पता करने के लिए यूज होने वाला यंत्र ओसिनोग्राफ। समुद्री जीव जंतु का पता करना होता है तो क्या यूज करेंगे भैया? ओसिनोग्राफ, ओसिनोग्राफ। ठीक है, थैंक यू।